हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, इसको एक पर्टिकुलर चैप्टर भी कह सकते हैं, जिसको हम जानते हैं नेशनल इनकम के नाम से। नेशनल इनकम को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसका पार्ट नंबर वन आपके साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ ही इस चैप्टर की थ्योरी भी करते हुए जाएंगे। आपकी बुक्स में इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों अलग अलग चैप्टर्स में दे रखे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इसको हम एक साथ ही करेंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें नेशनल इनकम के लिए। ओके, चलिए नेशनल इनकम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, नेशनल इनकम थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है, हम ये समझते हैं। नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है, इट इज़ द सम टोटल फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। फैक्टर इनकम अकरिंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो सम टोटल होता है, मतलब टोटल इनकम जो हम कमाते हैं फैक्टर इनकम्स के थ्रू। और कौन लोग? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट जैसे हम और आप। नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड, भले ही वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जनरेट हो रही हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर जनरेट हो रही हो। ओके, तो ये आपको मैंने नेशनल इनकम की एक छोटी सी थ्योरी समझा दी। अब इसमें फैक्टर इनकम्स का रोल क्या होता है? तो फैक्टर इनकम्स हमारे ऐसे इनकम्स होते हैं, जैसे आप किसी को लैंड देते हैं तो उसकी जगह आपको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल अगर आपने लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो दीज ऑल आर द नेशनल इनकम, और ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एग्जामिनर फैक्टर इनकम्स कई बार पूछ लेता है। बींग एग्जामिनर मैं भी बहुत बार पूछ लेता हूँ। अब नेशनल इनकम जब भी आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोले, आपको कैलकुलेट करना है NNP@FC। NNP@FC क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बारे में अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमें नाम से समझ में आ रही, डोमेस्टिक जो विद इन द टेरिटरी, मतलब विद इन द कंट्री इंक्लूड हो रही हो। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम ने पीछे पढ़ लिया, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। नो मैटर हु जनरेट्स, चाहे वो हमारे भारत का नागरिक जनरेट कर रहा हो या भारत के अंदर किसी और देश का नागरिक। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। अब कभी भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोले तो आप निकालेंगे NDP@FC। यहाँ पे बस आप देखेंगे तो नेशनल इनकम में होता है NNP@FC, और डोमेस्टिक इनकम में होता है नेशनल से डोमेस्टिक का टर्म होता है ये, बस दो। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है और यहाँ भी हाईलाइट कर रखा है। तो ये आपकी हो गई नेशनल इनकम क्या होता है, और ये आपका हो गया डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। अब भाई फैक्टर इनकम अभी हमने पहले भी पढ़े, फैक्टर इनकम ये वाले इनकम होते हैं, लैंड लेबर बेस वेजेस, ठीक है। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज। आप सर्विस किसी को देंगे, जैसे लैंड की जगह रेंट मिला आपको, लेबर को वेजेस दिया, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, तो ये होती है आपकी फैक्टर इनकम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज ऑल आर द फैक्टर इनकम। ये सारी फैक्टर इनकम होती है। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है रिसीव बाय अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, जैसे आपने किसी की हेल्प करी, या दूसरे देश ने किसी और देश की हेल्प करी, जैसे इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करी या पाकिस्तान की हेल्प करी। ओके, जैसे डोनेशन हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, एक्सेट्रा। और आपको याद रखना है कि ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। एग्जाम्पल गिफ्ट, डोनेशन और चैरिटी। तो ये रहा थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट, और भी थ्योरी का पार्ट हम आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया,
नेशनल इनकम क्या होता है आपको समझ में आ गया, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है आपको, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की क्लास ट्वेल्थ में और आगे भी तीन टाइप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं CBSE में। ओके, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तीनों ही हैं, लेकिन इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो ये है तीन मेथड्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। ओके, चलिए अब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। ये है स्टेप नंबर वन, अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो आधी नेशनल इनकम तो आपकी हो गई। ठीक, चलो समझते हैं क्या है। अभी हमने पीछे देखा नेशनल इनकम तब भी निकालने के लिए बोलेगा तो NNPHFC, और डोमेस्टिक इनकम तब भी निकालने के बोलेगा तो NDPHFC। डोमेस्टिक से नेशनल का खेल है बस। अब ये ध्यान से समझिएगा, चाहे तो इसको बना लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। इसको आपको स्टेप नंबर वन अगर समझ में आया तो आपको नेशनल इनकम आधी से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से जब भी नेट पे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करेंगे NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करेंगे NIT। बस ये जो चीज़ है ना, ये आपको अगर समझ में आई तो पूरा नेशनल इनकम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये था स्टेप नंबर वन। इस फर्स्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में, हम लोग तीनों में से सबसे लास्ट वाला मेथड पहले करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे, या और इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन हम प्लस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन या तो सीधा गिवन होगा या डेप्रिसिएशन के कुछ नाम हैं ये गिवन होंगे, जैसे कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब आप कहेंगे सर आपने ये हाईलाइट क्यों कर रखा है, ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में के क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट, ग्रॉस से नेट पे आने वाला पार्ट। नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIFA का यूज़ होता है। NFIFA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कभी कभी क्वेश्चन में NFIFA सीधा गिवन होगा तो हम सीधा माइनस प्लस कर देंगे, बट कभी कभी NFIFA हमें गिवन नहीं होता है, NFIFA की जगह दो टर्म गिवन होंगे, FIFA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू। हम फैक्टर इनकम फ्रॉम में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट, हाँ इसमें एक चीज़ और आप सुन लीजिए, कभी कभी क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह आपको गिवन होता है, मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ, कभी कभी हमें गिवन होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब भी आपको टू अब्रॉड गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए अगर आपको टू है तो माइनस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब क्या है, इसका आपका अपोजिट कर देंगे। क्लियर हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस कर देंगे NFIFA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए माइनस करेंगे NFIFA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFITA प्लस कर देंगे। ओके, तो NFIFA और NFITA आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस पे आने के लिए NIT और माइनस करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए प्लस करेंगे NIT। NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब कभी कभी NIT भी आपको सीधा गिवन नहीं होता है, NIT सीधा सीधा गिवन नहीं होगा तो उसका इसमें दो चीज़ें ज़रूर दे रखी होंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस सब्सिडी कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे पहले चलते थे अब उसका नाम चेंज हो गया, GST हो गया, तो आपको क्वेश्चन में GST भी गिवन हो सकता है, GST माइनस
सब्सिडीज देन यू विल गेट अ एनआईटी. तो एनआईटी आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हेल्प करेगा. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले पे. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप शॉर्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम्स में अपने. प्लस चेंज इन स्टॉक ऑन प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट. इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, जीडीपी या टेम्पी. मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड से इन सबको ऐड करने के बाद यू विल गेट जीडीपी एट एमपी. आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, अब मैंने ये चीज़ हाईलाइट क्यों करी है. सबसे ज़्यादा इस मेथड में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये वाली टर्म है, जीडीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. कभी कभी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको सीधा गिवन नहीं होता है, ठीक है. इसकी जगह आपको क्या गिवन होगा, इसकी जगह आपको गिवन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, प्लस चेंज इन स्टॉक. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया है तो आप चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी क्या हो गई, इंक्लूड हो गई. अगर आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है. अगर आपको ये नहीं गिवन है तो आप इन दोनों को लेंगे, अगर आपको ये गिवन है तो आप चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर हुआ, समझ में आई बात. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब और चेंज इन स्टॉक का नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा. चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है. और नेट एक्सपोर्ट को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, नेट एक्सपोर्ट को निकालने का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा. ओके, तो चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम और होता है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कन्फ्यूज में होना. और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इन सारे आइटम्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा जी डी पी एट एम पी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा जी डी पी एट एम पी, ठीक है. तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला. चलिए अब हम इन सब चीज़ों को कुछ न्यूमेरिकल के साथ करके देखते हैं, ठीक है. तो आपका थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूजन है और वो ज़्यादा दूर हो जाएगा. चलिए सबसे पहला आपको न्यूमेरिकल है, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी. क्या कैलकुलेट करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी. ओके, तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी. कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से. चलो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस आपका होता है नेट एक्सपोर्ट. ओके, चलो भाई ये हमने लिख लिया. आप एग्ज़ाम्स में इस ये शॉर्ट टर्म्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें प्लीज़, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, जी डी पी एट एम पी. ओके चलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है, 200. चलिए 200 हमें दे दिया, फिर हमने प्लस का साइन लगाया. उसके बाद हमें दिया है इन्होंने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300 प्लस चेंज इन स्टॉक 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको दिया है 200, ठीक. तो ये आपका हो गया ये सारा आइटम. तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 200 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस आपका आ गया 200. तो वी विल गेट 1300.
तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, GDP at MP, तो GDP at MP is equals to 1300. This is called gross domestic product at market price. ठीक, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया. नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है GDP at FC. हमें कैलकुलेट करना है GDP at FC. GDP at FC हम कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला लगाओ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, और हमको मिल जाएगा GDP at FMP. हमें मिलेगा GDP at MP. तो 200 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 200, तो इन सब का टोटल हमारा आ गया, अभी हमने पीछे भी किया था, इन सब का टोटल हमारे पास कितना आ गया था, 1300. हमारे पास ये निकल के आ गया GDP at MP. हमें चाहिए क्या, GDP at FC. अब ग्रॉस से ग्रॉस हमें जाना नहीं ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक हमें जाना नहीं ऑलरेडी है, प्रोडक्ट ऑलरेडी है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए अगर आपने फॉर्मूले याद हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, NIT क्या करते हैं, NIT माइनस करते हैं. तो NIT कितना है हमें, 300. तो हमने NIT माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 1000. तो 1000 हमारा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है GNP at FC. चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर से वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट. ये फॉर्मूला मैं भी बार बार लिख रहा हूँ, और आप भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला ही यूज़ करें. इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आता है GDP at MP. ओके, तो प्राइवेट फाइनल वही 200, ये मैंने समझाने के लिए आपको बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस थोड़े से चेंजेस किए मैंने इसमें. चेंज इन स्टॉक आपका 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट आपको कितना दे रखा है, 200. अब क्या है आपका, अब इसमें फिर से 2567713001300, ये हमारे पास निकल के आ गया GDP at MP. हमें निकालना है GNP at FC. ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब ग्रॉस से ग्रॉस तो ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. तो 1300 में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे 20, तो ये आ गया 1320. हो गया पूरा, नहीं, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे. तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम NIT क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए NIT हम करते हैं माइनस. तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1020. तो 1020 इज अ GDP एट FC. ओके, नेक्स्ट. अब इसमें हमें निकालना है, इसमें हमें निकालना है NP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. चलो निकालते हैं, वही फॉर्मूला फिर से लगाओ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट. ओके, चलिए भाई, इन सबको निकालने के बाद हमारे पास आता है GDP at MP. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300, चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 100, नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 200. फिर इन सबको ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 5 11 1300 आ गया, 1300 आया है GDP at MP. वी वॉन्ट NNP at FC. तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं. चलो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो 1300 में माइनस हमने किया 40, तो हमें मिला 1260. अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आ गया 1280. अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे 1280,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे 300, तो 1280 में से 1280 में से हम माइनस करेंगे 300, तो वी विल गेट 980, तो 980 विल बी एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, ये वाले, ये क्वेश्चन कराने का मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है, सिंपल से, कि जिससे आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने बहुत माइनर से चेंजेस किए हैं, जैसे जीडीपी एट एमपी सीधा निकाल दिया, यहाँ पे बस फैक्टर कॉस्ट पे गए, एनआईटी का यूज़ हुआ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा एनआईटी के साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज़ हुआ, मतलब ग्रॉस से डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए, फिर हमारा इस क्वेश्चन में एनआईटी भी यूज़ हुआ, एनफीफा भी यूज़ हुआ, डेप्रिसिएशन भी यूज़ हुआ। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे। अब तो नेक्स्ट वीडियो में जिसको हम बोलेंगे आपका पार्ट नंबर 2, इसी टॉपिक को, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें और मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं, और भी अगर कोई आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके मुझे आप सीधे मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरे इस नंबर पे भी आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें द इकोनॉमिक हब, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू।